आवश्यकता वाले बालक, यही यस चलना है ना? सर, वेरी गुड। तो ये फर्स्ट सेमेस्टर का मामला है, पता है सभी को ये शब्दावली फर्स्ट यस सेमेस्टर में आई होगी, और इस पे आपके विद्वत्तीगण यस जो हमारे प्यारे भाई या बहन जो भी आपको पढ़ाते होंगे उनके द्वारा विशेष प्रकार की बातें आपको बताई गई होंगी। ठीक। यस तो सबसे महत्वपूर्ण ये हो जा रहा है कि मैं कुछ इस पे शुरू करूं, इससे पहले अलग अलग सेंटरों से एक एक बच्चे का फीडबैक ले लेते हैं, पूछ लेते हैं कहाँ तक बात करनी है, कहाँ से शुरू करनी है। ठीक रहेगा सतीश? जी सर। चलो, तो पहले सतीश बेटे से ही शुरू करते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे किसे कहते हैं? सतीश। जी सर, सर वे बच्चे जो अपनी दिव्यांगताओं के कारण कुछ सर उनमें कमियां रह जाती हैं, जैसे कोई बच्चा दृष्टिबाधित है तो उसको पढ़ने के लिए या उसको पढ़ाने के लिए कुछ विशेष आवश्यकताओं की जरूरत होती है सर, और उसमें से कुछ दृष्टिबाधित में कुछ अल्प दृष्टिबाधित होते हैं बच्चे, कुछ पूर्णतया ही दृष्टिबाधित होते हैं, तो सर कुछ MR के बच्चे होते हैं, कुछ बहुत तरीके के बच्चे होते हैं, तो उनको पढ़ाने के लिए अलग अलग उपकरण और शैक्षिक जरूरतों की अलग अलग आवश्यकताएं होती हैं सर, उन्हें विशेष प्रकार के बच्चे कहते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, सतीश ने अपने विचार इस विषय पे रखे, बहुत अच्छी बात। अब हम लोग कुछ आगे बढ़ते हैं। शशांक वर्मा RSBI से जुड़े हुए हैं। शशांक, आप हमें सुन रहे हैं? शशांक जी सर, जी, जी बेटा हम सर, लोग आज विशेष आवश्यकता वाले बालक, उनकी पहचान, उनकी आवश्यकता, शैक्षिक दृष्टि की तरफ बढ़ने वाले हैं, तो इस विषय में जी सर, विशेष आवश्यकता वाले बालक किसे कहते हैं, जरा थोड़ा बताना। जी सर, मैं बता रहा हूँ सर। विशेष बालक वह बालक होते हैं जो विशेष बालक मेरे अनुसार मतलब वो बालक होता है जो सामान्य से उनकी बुद्धि ऊंची होती है, या उनकी शैक्षिक योग्यता मतलब अधिगम में बहुत जल्दी प्राप्त करते हैं, या सामान्य बालकों से उनकी अक्षमता के कारण अधिगम प्राप्त करने में कठिनाई होती है। दोनों ही कंडीशन में वे विशेष बालक कहलाते हैं। तो इनके लिए सर वेरी विशेष उपकरणों, विशेष तकनीकों की सहायता से हम इनको अधिगम प्राप्त कराते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सोनी NAB अयोध्या, आप बताएं बिटिया। सर, वह बालक जो शारीरिक रूप से, मानसिक व संवेगात्मक रूप से, बौद्धिक रूप से, विकास एवं अभिवृद्धि की दृष्टि से सामान्य बालकों से ये भिन्न होते हैं और ये नियमित रूप से विद्यालय में शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं और सामान्य बालकों से पिछड़ जाते हैं, वही बालक विशेष आवश्यकता वाले बालक कहलाते हैं। और इनको चार आधार पे डिवीजन किया गया है, बौद्धिक दृष्टि से, शैक्षिक दृष्टि से और शारीरिक और समस्याग्रस्त। गुड। TS मिश्रा से पवन कुमार यादव। जी सर, गुड मॉर्निंग मॉर्निंग बेटा, मॉर्निंग, बताएं। सर। विशेष बच्चे, जैसे हम लोग दृष्टिबाधिता का कोर्स कर रहे हैं, तो इसमें वो बच्चे जो मतलब उनमें सीखने की और सामान्य बच्चे की तरह सीखने में रुचिपाल, आप बताएं। कोई बात नहीं पवन, कोई बात नहीं, नेटवर्क का इशू है आपकी तरफ। रुचि बताओ। सर, स्पेशल बच्चे वही होते हैं जिनमें एक अलग प्रकार की ही क्षमता होती है, जो चीजों पे सर, जो स्पेशल बच्चे होते हैं उनकी एक अलग ही पकड़ होती है, सामान्य बच्चों से थोड़े से डिफरेंस होते हैं वो बच्चे। ठीक। निशान,
निशांत कुमार सर, बताएं। विशेष बालक वो होते हैं जैसे जिनको कुछ अलग से जरूरतें दी जाती है शिक्षा प्रोवाइड कराने के लिए। गुड। पूजा पूजा यस सर। बताएं आप। सर विशिष्ट बालक, सर विशिष्ट बालकों को जानने से पहले यह जानना जरूरी होता है कि सामान्य बालक किसे कहते हैं। सर विद्यालय में सर हर तरह के बालक आते हैं, हर वर्ग से आते हैं, लेकिन सर वे विभिन्न होते हुए भी सामान्य कहलाते हैं। सर लेकिन कुछ ऐसे बालक भी होते हैं सर जो शारीरिक और मानसिक तथा सामाजिक गुणों की दृष्टि से अन्य बालकों से भिन्न होते हैं। सर और एक विशिष्ट बालक वह जो शारीरिक बौद्धिक सामान्य बुद्धि एवं विकास की दृष्टि से विचलित होते हैं सर, वह नियमित कक्षा से लाभान्वित नहीं हो सकते और सर उन्हें विशेष विद्यालय तथा विशेष आवश्यकता मतलब देख रेख की आवश्यकता होती है सर, वही विशिष्ट बालक कहलाते हैं। गुड। कोई और बच्चा कुछ इसमें ऐड करना चाहेगा? शिवम सिंह आप कौन सी संस्थान से हैं बेटे? शिवम सिंह शायद शिवम तक आवाज नहीं जा रही क्या? एक हमारी बिटिया भी जुड़ी है। हाँ मरहबा शमशीर आप बताएं। सर सर विशेष आवश्यकता वाले बालक वो होते हैं जिनकी आवश्यकता बिल्कुल अलग होती है, जैसे कि अगर हमारे हम VI से रिलेटेड हैं तो वो ब्लाइंड है तो उनके कानों की क्षमता बहुत अच्छी होती है, तो हमें उस पर ही ज्यादा ध्यान देना होगा उनकी आवश्यकता को देखते हुए। गुड। तन्नी तुम बताओ बेटे। यस यस सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग बोलो। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे वे बालक होते हैं जिनको कुछ मतलब जिनकी विकास में विकास कुछ प्रभावित हो जाता है और जो सामाजिक व्यवहार से अपना समायोजन नहीं कर पाते, उन्हें किसी विशेष उपकरण शिक्षा के लिए विशेष उपकरण की आवश्यकता होती है या ऐसे प्रशिक्षण शिक्षण की आवश्यकता होती है कि वो अपना समायोजन कर सके दूसरे के साथ। गुड। श्वेता बिटिया सुन पा रही हो? जी। बताओ बेटा विशेष आवश्यकता वाले बालक किसे कहते हैं? गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। विशेष आवश्यकता वाले बालक वह बालक होते हैं जिन्हें विशेष उपकरणों की या विशेष चीजों की सहायता होती है जिसकी सहायता से वह अपने को सक्षम बना सके और सामान्य बालकों की तरह से पढ़ सके। गुड। शुभम मिश्रा। शुभम मिश्रा सुन पा रहे हैं आप? शुभम देखिए क्लास के साथ साथ आप लोगों का परीक्षा का भी दृष्टिकोण देखा जा रहा है, उसको भी सोच करके आगे बढ़ा जा रहा है, तो जो भी आपको कहना है वह स्पष्ट कहा करो, आप चुप न रहा करो। किसी का नाम जब हम लेते हैं तो उसको सुनाई देता है, मुझे मालूम है सुनाई देता है, लेकिन वो फिर भी उधर से नहीं बोलते हैं, अपनी बात रखना शुरू करो और निष्पक्ष भाव से अपनी बात रखने के लिए तैयार रहा करिए आप लोग, क्योंकि आपका जानना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना जान करके स्वीकारना और स्वीकारने के बाद उसे प्रस्तुत करना जरूरी है। आपका प्रस्तुतीकरण सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है बेटा? तो क्यों बेटे वाह आगे बढ़े। अब हमारा बेटवा लोग बोल रहे का है। अच्छा चैट बॉक्स जी सर। ठीक है बिल्कुल बिल्कुल। चलो तो फिर हम लोग शुरू करते हैं घर विशेष आवश्यकता वाले बाल या विद्यार्थी। एकदम लाइन टू लाइन यहाँ थ्योरी पढ़ाने नहीं बैठा हूं मैं, कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा स्पष्ट करने के लिए हम लोग इस पटल पे आज जुटे। विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी, इनको दो तरीके से शाब्दिक रूप में प्रतिबंधित करते हैं, कहते हैं।
पहला शब्द आता है सी डब्ल्यू एस ई एन, सी डब्ल्यू एस ई एन, चिल्ड्रेन विथ स्पेशल एजुकेशनल नीड्स, विशेष शैक्षणिक आवश्यकता वाले बालक, और दूसरा जो सामान्यतया आपको हर जगह सुनने को मिलता है अथवा आगे आप जब कहीं इंटरव्यू देने या कहीं और कुछ करने जाएंगे तो वहां इस तरीके की शब्दावली बार बार आपके सामने आएगी, पुस्तकों में लिखी जाती है, पेपर में आता है। सी डब्ल्यू एस एन, चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड, इस शब्दावलियां समान समूह के विद्यार्थियों को निरूपित करती है, ये बताती है कि ये दोनों प्रकार के विद्यार्थी समान समूह के हैं। कौन कौन सी? जिनकी शैक्षणिक आवश्यकताएं भिन्न है, विशेष है, और एक दूसरा जो बालक ही विशेष है। जरा हम इसको पारिभाषिक तौर पे भी देखें तो कथनी में देखें क्या कहते हैं। विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी का सामान्य तात्पर्य उन विद्यार्थियों से है जिनकी शैक्षिक आवश्यकताएं सामान्य या औसत विद्यार्थियों से भिन्न है, अलग है। मैं फिर से दोहरा दूंगा, ध्यानपूर्वक आप सुनिएगा। विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी का सामान्य तात्पर्य, सामान्य शब्दों में कहा जाए, उन विद्यार्थियों से है जिनकी शैक्षिक आवश्यकताएं सामान्य या औसत विद्यार्थियों से भिन्न है। अब आप जानते हैं यहां तीन श्रेणी निकल के आई, जैसा हमारे बच्चों ने भी चर्चा किया था, तीन श्रेणी। एक औसत विद्यार्थी जिन्हें हम लोग सामान्य विद्यार्थी कहते हैं। अब उस औसत विद्यार्थी के औसत से अधिक की मानसिक और महत्वपूर्ण जानकारी बुद्धि लब्धि प्राप्त करने वाले विशेष वे बालक जिनकी बुद्धि विशिष्ट है वे औसत से ऊपर के, ऐसे बालक विशेष आवश्यकता वाले बालक है जो आधे शब्द में पूरे शब्द का अर्थ ले लेते हैं, और वे बालक, तीसरी श्रेणी की बात कर रहा हूं, वे बालक जो सामान्य औसत बालक जो हैं, उन बालकों से बुद्धि लब्धि के तौर पर, सीखने के तौर पे, समझने के तौर पर, ज्ञानात्मक भाव के तौर पर थोड़ा नीचे। तीन श्रेणियां आपके सामने आ गई, सामान्य, औसत श्रेणी जो मध्य की श्रेणी है, औसत बालकों से अधिक बुद्धि लब्धि वाले, तीव्र बुद्धि लब्धि वाले, प्रतिभा संपन्न बालक वे उसके ऊपर के हो गए, और औसत विद्यार्थियों से कम बुद्धि लब्धि वाले, कम प्रतिभा के धनी जो बच्चे हैं, थोड़ा देर में सीखते जो है, वो उसके नीचे के हो गए। तीनों स्थितियों को कहूं, प्रतिभा संपन्न बालक, सामान्य बालक और असामान्य अर्थात सामान्य बालकों से कम बुद्धि लब्धि वाले या कम समझ रखने वाले बालक, देर से समझने वाले बालक। आशा है ये तीनों चीजें क्लियर हो गई होंगी। आशा यहां एक चीज और क्लियर करते चलते, आपको मालूम है, आप कहते भी है, पढ़ा भी है आपने, दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में अद्वितीय एवं विशिष्ट होता है। अद्वितीय का तात्पर्य बेटा, अद्वितीय का तात्पर्य क्या हुआ? अद्वितीय जिसके समान दूसरा कोई ना हो। वेरी गुड, वेरी गुड। जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो, कोई दूसरा ना हो। तो अब जब इस बात को आप मानेंगे कि ऐसा प्रत्येक व्यक्ति में यह गुण है कि उसके जैसा दूसरा कोई हो ही नहीं सकता, तो ये तीन श्रेणी बनी कैसे? और फिर इन तीन श्रेणियों में बैठाएंगे कैसे? क्योंकि जो नीचे का है उसके ऊपर भी ये लाइन फिट बैठती है, द्वितीय है। जो मध्य का है सामान्य बालक, उसके ऊपर भी यह बात सत्यवत बैठती है कि वह भी अद्वितीय है। और जो प्रतिभा संपन्न है,
सर आवाज नहीं आ रही है। हाँ हाँ फोन आ गया था जिसके कारण आवाज आपकी कटी होगी। अब आवाज आ रही होगी ना बेटा? यस सर आ रही है। जी सर आ रही है। तो हमारा आपका जब आवाज रुके ना, फोन किसी का आ जाता है तो रुकती है आवाज, मैं हटा दिया करूंगा, चिंता न कर। हमारी आपकी जो मानसिक मानसिक स्थिति बननी है इस विषय पर, विशेष आवश्यकता वाले बालकों पर, उसको दो तरीके से आप व्यवस्थित कर लीजिए। यहाँ भ्रम बना रहता है कोर्स करने के बाद भी बच्चों में, उसको थोड़ा सा निश्चित कर ले। पहला, जब विशेष आवश्यकता वाले बालकों की बात की जाएगी तो तीन श्रेणियां आएंगी, प्रतिभा संपन्न बालक, सामान्य, सामान्य से कम बुद्धि लब्धि कम समझ रखने सीखने वाले बालक, ये तीन स्थिति हो गई। अब तीन स्थितियों को छोड़ करके एक और स्थिति है जो वैश्विक स्थिति पर कहती है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में अद्वितीय है एवं विशिष्ट होता है, सबकी अपनी अपनी क्षमताएं हैं, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति विशेष आवश्यकता वाला है, ये तो यही कह रहा है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब तो सुनाई दिया होगा, श्वेता ने लिखा है सर फिर से बता दीजिए, आवाज कट गई है, तो मैंने तो अभी बता दिया। जब आपने तीनों चीजें बताई थी तो आवाज नहीं आ रही थी आपकी। अभी क्लियर हुआ बिटिया कि फिर से बताओ? सर एक बार और बता दीजिए बस। कोई बात, विशेष आवश्यकता वाले बालक वे बालक हैं जिन्हें हम तीन स्थितियों में देख सकते हैं, प्रतिभा संपन्न बालक, सामान्य प्रतिभा के बालक और असामान्य प्रतिभा के बालक, अर्थात सामान्य से अधिक बुद्धि लब्धि अधिक तीव्र गति से सीखने वाले बालक, समझने वाले बालक, कार्य करने वाले बालक, सामान्य गति से काम करने वाले बालक, सीखने वाले बालक, अधिगम करने वाले बालक और सामान्य से कम, उससे थोड़ा देर से अधिक समय लेकर के सीखने वाले बालक, समझने वाले बालक और कर्म करने वाले बालक, ये तीन स्थितियां हुई। इसके नीचे मैंने कहा, मैं फिर से उसको बात को दोहरा रहा हूं, बिटिया ने कहा कि इस वैश्विक स्थिति में एक लाइन है, हर एक व्यक्ति अद्वितीय है, उसके जैसा कोई हो ही नहीं सकता और सबकी अपनी विशेष आवश्यकताएं हैं, सबकी अपनी विशेष आवश्यकताएं, एक ये वैश्विक बात हो गई। लेकिन हमें जिन बातों पे आज चर्चा करनी है वो ऊपर के तीन है। ठीक, आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि जरा इसमें शाब्दिक तौर पर, परिभाषिक तौर पे इसको कैसे कहेंगे, तो वहां शाब्दिकता क्या कहती है वो देखते हैं। दिव्यांग विद्यार्थी, ये मैं उदाहरण दे रहा हूं विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के संदर्भ में, दिव्यांग विद्यार्थी, मेधावी अथवा उच्च बुद्धि लब्धि वाले विद्यार्थी, रचनात्मकता युक्त विद्यार्थी आदि को विशेष आवश्यकता वाले बालकों की श्रेणी में रखा गया है। मैंने यहां तीन कैटेगरी की और तीनों की विशिष्टता को आपके सामने रखा। अब तीनों को आप किसी की तुलना करने से नहीं, उनके अंदर व्याप्त विशेषताओं के स्तर पे देखिए। पहला मैंने क्या कहा, दिव्यांग विद्यार्थी जिनकी कुछ शारीरिक मांग होती है, मानसिक मांग होती है, सामाजिक मांग होती है, आप जानते ही हैं, आप परिचित हैं। दूसरा, मेधावी अथवा उच्च बुद्धि लब्धि वाले विद्यार्थी, उनकी भी कुछ अपनी मांग होती है, वो किसी भी बात को एक बार ही कहने पे सीख लेते हैं, बार बार दोहराने पे इरिटेट होते हैं, उन्हें समस्या आती है कि क्यों एक ही बात को बार बार कहा जा रहा है। और तीसरे, जिन्हें हम सामान्य से कम सीखने वाले की श्रेणी में रखते थे इसके पहले वाली लाइन में, इसके पहले वाली बात में, उन्हें मैंने यहां उनके कार्यात्मक स्तर पर उनकी विशेषता से युक्त करके बताया। क्या कहा, रचनात्मकता युक्त विद्यार्थी। आपने देखा होगा उदाहरण, मेरे सामने तो सैकड़ों उदाहरण ऐसे हैं, आपके उदाहरण भी आपके सामने होंगे, जो विद्यार्थी पढ़ने में कमजोर होते हैं वे कुछ रचनात्मक करना हो, उन्हें कुछ बनाना हो, खेलना हो या कुछ और करना हो, उनकी कुछ रचनात्मक जो प्रवृत्तियां होती है वह पढ़ने वाले विद्यार्थियों से अधिक तीव्र और अधिक कुछ
भिन्न होती है, उनकी कार्मिक जो व्यवस्था होती है वो थोड़ा भिन्न होती है। तो उनकी अपनी अपनी बात है। तीन स्थिति, दिव्यांग विद्यार्थी, विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी, मेधावी अथवा उच्च बुद्धि लब्धि वाले विद्यार्थी, विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी, और तीसरी रचनात्मकता युक्त विद्यार्थी। रचनात्मकता, मैं अवगुण को दृष्टि करके नहीं कह रहा हूं कि सामान्य से कम बुद्धि लब्धि वाले, मैं कह रहा हूं कि जो बच्चे रचनात्मक होते हैं, जो रचना के तौर पर विशिष्ट होते हैं, वे वो पढ़ने लिखने में तो कमजोर होंगे लेकिन चित्रकारी में तेज होंगे, पढ़ने लिखने में तो कमजोर होंगे लेकिन स्कूल के काम करने में, घर के काम करने में, या अगर मैं दूसरी तरफ उनकी अड़बंगई की बात करूं, थोड़ी विशिष्टता है दूसरी की बात करूं, तो मार झगड़ा करने में, लड़ाई करने में, मीन्स एक्टिविटी के तौर पर, रचनात्मकता के तौर पर वे विशेष आवश्यकता वाले बालक होते हैं। यहां तक क्लियर हुआ? चैट में थोड़ा एकाध जन फीडबैक देते रहा करिए, ठीक। अब आगे चलते हैं, विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी। आप जानते हैं हमारे फील्ड में किसी भी बात को कहने के लिए कोई ना कोई एक उदाहरण जरूर प्रस्तुत करना होता है, और जरूर कोई ना किसी किसी न किसी एक रिपोर्ट की बात को रखना होता है, तब बात मानी जाती है, चाहे हमारा कोई भी विचार उस पर मैं आपसे कितना भी कह लूं, लेकिन बात तो वही चलेगी। एक मिनट बेटा, एक मिनट, ये फोन तो और नहीं जीने देंगे। अब एक रिपोर्ट के अनुसार हम लोग विशेष आवश्यकता वाले बालकों को देख रहे हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ स्पेशल एजुकेशन, ये रिपोर्ट 2014 की है, नेशनल काउंसिल ऑफ स्पेशल एजुकेशन 2014 के अनुसार, मैं दो बार इसको दोहराया हूं, पेपर में इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं इसलिए कोट पूछा जाता है। नेशनल काउंसिल ऑफ स्पेशल एजुकेशन 2014 के अनुसार वो क्या कहते हैं विशेष आवश्यकता वाले बालकों के संदर्भ में, विशेष आवश्यकता का तात्पर्य व्यक्ति की विभिन्न शारीरिक एवं मानसिक क्षमताओं का सीमित होना, जो विभिन्न शैक्षिक क्रियाकलापों में उसकी सहभागिता एवं उनसे होने वाले लाभ को सीमित कर देते हैं। इस रिपोर्ट ने कहा कि विशेष आवश्यकता वाले बालक का तात्पर्य है जिनमें भिन्न भिन्न शारीरिक क्षमताएं हैं, भिन्न भिन्न शारीरिक स्थितियां हैं, मानसिक क्षमताओं का एक सीमित होना। तीनों परिस्थितियों में अगर हम देखें सीमित होने का क्या तात्पर्य है, यहाँ ये क्या कह रहे हैं, जब क्रिया में बात नहीं आती, अनुभव में बात नहीं उतरती, तो मानसिक क्षमताएं सीमित हो जाती है। आप जानते बहुत कुछ है लेकिन कर नहीं पाते, तो मीन्स आपकी मानसिक आवश्यकताएं बहुत सीमित हो चुकी, मानसिक क्षमता की कमजोर हो गई। आप जानने तो बहुत लगे हैं लेकिन क्रियात्मक रूप में उसका बोध नहीं कर रहे, मीन्स उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। विभिन्न शैक्षिक क्रियाकलापों में उसकी सहभागिता एवं उनसे होने वाले लाभ सीमित कर देते हैं। जैसे प्यारे बच्चों, आप डीएड के विद्यार्थी हैं, मैं आपका उदाहरण देके इस बात को कह रहा हूं, रिपोर्ट नहीं मैं बता रहा हूं। आपका क्या है, आपको मनोविज्ञान भी पढ़ाया जाता है, एसएसटी भी पढ़ाई जाती है, हिंदी भी पढ़ाई जाती है, अंग्रेजी भी पढ़ाई जाती है, विषय गणित भी पढ़ाई जाती है, विज्ञान भी पढ़ाई जाती है। आप छोटे छोटे जब थे तो प्रारंभिक स्कूलों में आपको विज्ञान पढ़ाया गया, आपको हिंदी पढ़ाई गई, आपको नैतिक शिक्षा पढ़ाई गई, लेकिन अगर नैतिक गुणों का विकास आप में अथवा हम में नहीं हुआ, तो मीन्स हमने नैतिक शिक्षा को सिर्फ सुना, बोध नहीं किया, हमें समझ नहीं आई, हम उससे ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाए, बोध नहीं प्राप्त कर पाए, सिर्फ सुने, यह क्या है, लाभ न प्राप्त कर पाना। और हमने पढ़ा और अपने उसके जीवन में उतार लिया, यह लाभ प्राप्त करना हुआ। तो हमारा उस ज्ञानात्मक बोधात्मक पक्ष से लाभ को प्राप्त करना होगा, वह वृहद भाव कहाएगा। और अगर हम इसको जीवन में प्रयोग नहीं करते हैं तो हमारा सीमित लाभ कहा जाएगा।
यहाँ सीमित लाभ की ही बात कर रहे हैं। ऐसे बच्चे बात को समझ नहीं पाते, जीवन में आत्मसात नहीं कर पाते, जिसके कारण वे शैक्षिक क्रियाओं से सीमित लाभ प्राप्त करते हैं। ये रिपोर्ट कहती है। रिपोर्ट आगे भी कुछ कहती है इसका कारण कोई दीर्घावधि शारीरिक, ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों, इसका कारण कोई दीर्घावधि शारीरिक संवेदी मानसिक अथवा अधिगम अक्षमता हो सकती है, जिसका कारण लाभ न प्राप्त करने का। जैसे लंबे समय तक किसी व्यक्ति का नेत्र का उपचार हो और उसी दौरान कक्षा में दृश्य से संबंधित जो बातें पढ़ाई गई हो उसका उसको ज्ञान न हो न पाना, बोध न हो पाना, समझ से परे कुछ मानसिक विकृति हो किसी व्यक्ति को, उसी दौरान उसके जीवन में 4-5 साल उपचार के क्रम चले और 4-5 साल में जो उसमें वृद्धि होनी चाहिए, एग्जाम्पल पर वो बच्चा 5 साल का था और अब 10 साल का हो गया, आप सोचे 10 साल के बच्चों जैसा व्यवहार करे तो नहीं करेगा वो, या तो 5 साल के बच्चे जैसा व्यवहार करेगा अथवा 6 या 7 साल के बच्चों का व्यवहार करेगा। कारण उसने सभी अनुभवों को आत्मसात नहीं किया, उसके ऊपर कुछ मानसिक आसक्तता का प्रकोप रहा। जब तक उपचार से उस शारीरिक दुर्बलता को दूर किया जाता तब तक तो समय आगे बढ़ गया। जैसे एक एग्जांपल है, 18 साल की अवस्था में हमारा शरीर सुदृढ़ हो जाना चाहिए, बलिष्ठ हो जाना चाहिए, हमें कृतकर्म के प्रति बहुत ज्यादा कार्यान्वित हो जाना चाहिए। लेकिन आप सोचिए अगर किसी व्यक्ति को 15 साल की अवस्था में, 16 साल की अवस्था में ऐसी कोई स्थिति आ गई कि प्रारंभिक अवस्था में कुपोषण के कारण उसके शरीर में किसी प्रकार की कोई कमी थी, एग्जाम्पल फॉर उसके फेफड़े में कोई कमी थी, या भगवान करे कभी किसी को ना हो लेकिन कोई ऐसी कमी थी जिसके कारण उसको ट्यूबरक्लोसिस हो गई, टीबी हो गई, या कोई ऐसी स्थिति आई कि वह किसी अन्य रोग से पीड़ित हो गया। अब वो जब 18 साल की अवस्था में होगा तो वह एक सुदृढ़ बालक नहीं, वह एक रोगग्रस्त बालक हो जाएगा। ये स्थितियां पर्याप्त लंबी दूरी तक चली शारीरिक अस्वस्थता का कारण बनी। आगे क्या कहते हैं, संवेदी, यहां पर बहुत समझने की जरूरत है आपको बेटा, हम लोग तो बूढ़े हो गए। संवेदी किसी भी प्रकार के विकारी, मैं कह रहा हूं तुम लोग इसे टेंशन कहते हो, किसी भी प्रकार के विकारी विचारों को बहुत लंबे समय तक नहीं खींचना चाहिए। वह जितना लंबे समय तक खींचेगा आपका विकास उतना ही अवरुद्ध करेगा, आपका विकास उतना ही अवरोधित होगा जितना वो लंबा खींचेगा। मैं बहुत टेंशन में हूं, मैं बहुत परेशान हूं, अगर इसको 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन 8 दिन जितने दिन आप उस बात को खींचते जाएंगे उतने दिन का आपका विकास प्रभावित होता चला जाएगा। निदान सोमवार की व्याधि को, जिसे आप टेंशन कहते हैं, मैंने पहले बताया, सोमवार को ही छोड़ दीजिए, मंगलामुखी सदा सुखी। मंगलवार हुआ तो सुबह प्रातः थोड़े नए विचारों के साथ उत्पन्नित होगी, तो मंगलवार के दिन का विकास आप प्राप्त कर पाएंगे। अन्यथा आपने देखा होगा, मुझे यहां उदाहरण देने की जरूरत नहीं है, आपको भी मुझे उदाहरण देने की जरूरत नहीं, कई लोग अब भी अगस्त में होंगे, कई लोग अब भी जुलाई में होंगे, कई लोग अब भी हो सकता है मार्च में होंगे। उसने मुझे मार्च में ये कहा था, उसको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, तभी से हमारी उससे बातचीत बंद है, हमारा उससे व्यवहार बंद है, हमारा ये बंद है, हमारा वो बंद है। मीन्स आप मार्च में ही है, आप अगस्त में ही है, दिन बदल गया, समय बदल गया, आप क्या अपने विकास को अवरुद्ध करना चाहते हैं क्या, कुछ और नहीं सोचना चाहते क्या, आप उसी को लेके बैठ जाएंगे क्या? चलो इसको थोड़ा वैज्ञानिक ढंग से उदाहरण में प्रस्तुत करता हूं। आधे ग्लास में, सभी लोग ध्यान से सुनना मेरे प्यारे बच्चों, आधे ग्लास में आपको एकदम फीकी, एकदम फीकी, बिल्कुल चीनी आई नहीं,
बिल्कुल उसमें चाय की पत्ती जीरो मात्रा में पड़ी है, एकदम खराब, बहुत बहुत खराब। चाय अगर आपको कोई दे दे या किसी चौराहे पर, चट्टी चौराहे पे किसी दुकान पे आप ले ले, तो क्या आप उसे तीन चार दिनों तक उस चाय को लेके घूमेंगे? जब भी चुस्की लेनी होगी, जब भी पीना होगा तो उसी चाय को पियेंगे, अन्यथा वो बार बार कहते रहेंगे चाय बड़ी खराब है, ये चाय बड़ी खराब है। आप क्या करते हैं, एक सिप ला, अरे चाय ठीक नहीं है, प्याले सही फेंक देते हैं, फेंक देते हैं कि नहीं फेंक देते? प्रतिपल अगर कोई अंदर आ जाए, कोई अगर कोई ऐसी स्थिति है जहां पर हमें दुर्विकारी कुछ भाव मिलते हैं, तो हमारा यह नैतिक दायित्व तो है कि हम उस दुर्विकारी भाव को प्याले सहित ही हटा दें। कारण अगर यह दुर्विकारी भाव लंबे समय तक रहा तो हमें आपको विकार उत्पन्न करेगा। एक मिनट रुकना बेटा, आपको सामान देने आए हैं आप, किसका है, किसके नाम से है? वो तो बाहर है, फोन कर लीजिए उसको बाहर। अरे मैं यहाँ क्लास ले, अंदर अंदर खोल लीजिए, बात कर लीजिए। हाँ तो कहाँ से जरा याद कराना, कहाँ से? हम सर चाय पर। हाँ चाय, चाय पे थे। अच्छा ठीक, कहने का मतलब किसी व्यक्ति से अगर कोई हमें असामाजिक, अगर किसी व्यक्ति से हमें कोई असामाजिक विचार या कोई असामाजिक ऐसे भाव प्राप्त होते हैं जो हमें ठीक नहीं लगते हैं, एग्जाम्पल फॉर चाय अच्छी नहीं लगती है, तो हमें उस चाय को त्याज करके दूसरी अच्छी चाय का चयन करना चाहिए, दूसरे विचारों का चयन करना चाहिए, दूसरे अच्छे ओजस्वी व्यक्तियों से मिलने का चयन करना चाहिए। ये अब आगे क्या कहते हैं, मतलब इनके कहने का मतलब ये था बेटा, अर्थ यहां ये निकला कि अगर आप लंबे समय तक किसी भी ऐसे भाव को, किसी ऐसे दुर्विचार को, संवेग को अपने मन में रखेंगे तो वह अच्छे संवेग उत्पन्नित नहीं होने देगा, वह आपका वृद्धि और विकास दोनों प्रभावित कर सकता है। मैं अब इस तरीके का उदाहरण देना नहीं चाह रहा था, लेकिन अब क्लास है तो अब चलिए आ गया तो मैं क्या करूं। आपने देखा होगा करोड़ों की संपत्ति होते हुए भी, पूरी बलिष्ठता होते हुए भी, और राष्ट्रीय स्तर पर चाहे नाचने कूदने में ही विशिष्टता प्राप्त रही हो, लेकिन ऐसी विशिष्टता प्राप्त करने वाला व्यक्ति भी एक मानसिक संवेग के कारण, एक दोषयुक्त संवेद के कारण जीवन समाप्त कर लेता है। क्या विकास होगा, अब क्या बचा, कुछ? सब कुछ समझ तो नष्ट हो गया कि नहीं हो गया? यह है किसी एक ही विकारी भाव को लंबे समय तक खींचना, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको अपना विकास करना है तो उसको त्यजिए, हटाइए, कचरा है उसको बाहर फेंकिए, अच्छी चीजों का सज्जन करिए। आगे क्या कहते हैं, मानसिक अथवा अधिकर्म क्षमता हो सकती है। अगर संवेग लंबे चलेंगे तो आपको मानसिक समस्या होगी, दिक्कत होगी, ये होगा वो होगा, आप जानते ही हैं। या अन्य कोई कारण हो सकता है, कुछ आर्थिक कारण हो सकते हैं, सामाजिक कारण हो सकते हैं, कुछ और भी। अब ये कहते हैं इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति की अधिगम आवश्यकता उन व्यक्तियों से भिन्न होती है जो इन स्थितियों में प्रभावित नहीं। अब जिस बच्चे को प्रारंभ से ही अच्छे उपकरण मिले हैं, अच्छी किताबें मिली हैं, अच्छा सोसाइटी मिली है, अच्छे भाव मिले हैं, उसका विकास निरंतर होता जाएगा। जिसको इन चीजों का अभाव रहा है उसका विकास एक एक स्तर पर कमजोर होता जाएगा। तो बच्चे में कोई कमी नहीं थी, बच्चे के विकास के क्रम में कमी आई जो बच्चे के बोध को कम कर दी। आजकल आपने देखा होगा दो तरीके की चीजें हैं। आप एक भाव सुनते होंगे, शहर के बच्चे ज्यादा स्मार्ट होते हैं बनस्पत गांव के, जानते हैं क्यों ये भाव बनता क्यों है? शहर में टेक्नोलॉजी की उपलब्धता ज्यादा हो जाती है बनस्पत गांव के, वो अधिक चीजों को व्यवहारित करने लगते हैं और वे सामाजिक कार्यों को, कृषि कार्यों को, व्यवहारित कार्यों को ज्यादा करते हैं।
उनमें व्यवहारिक विशिष्टता तो आती है, लेकिन स्मार्टनेस जिसको कहते हैं शहर के आज भाषा में, जो टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करती है, उस तरीके का भाव नहीं आ पाता। इसका कारण उन दोनों बालकों में किसी अक्षमता की बात नहीं है, इसका कारण तकनीकी की उपलब्धता और तकनीकी उपकरणों की उपलब्धता है। मैं यहां एक बात कोट कर दूंगा, स्मार्टनेस पे ही अपनी बात कहूंगा। आप अगर नैतिक शिक्षा को पकड़ के, मैं किसी विद्यार्थी या किसी विद्यालय पे कोई कमेंट नहीं कर रहा हूं, सभी से क्षमा याचना के साथ कह रहा, आप किसी गांव के इंटर कॉलेज में चले जाइए, वहां बच्चों की बोली भाषा, और अपने शहर के किसी इंटर कॉलेज में चले जाइए, हम उम्र बच्चों की बोली भाषा आप देखेंगे, दोनों में जमीन आसमान का फर्क आएगा। कुछ ऐसी चीजें आती हैं जिनको हम आप सामाजिक रूप से स्वीकार नहीं पाते। मैं इस पटल पे कहना नहीं चाह रहा हूं, आप उस बात को समझिए। आजकल एक चलन सा बन गया है युवाओं में कि अगले को वो जब परिभाषित करते हैं, जब बुलाते हैं, तो उसके पीछे कुछ एक और शब्द लगा देते हैं। मैं यहां नहीं कहता, कुछ और लगा देते हैं। ऐसा हमारे शहरीकरण में चलन चल गया है। सामान्यतया कुछ असामाजिक शब्दों को लेकर के बोलते हैं, जबकि आप और ऐसी जगह पे दूसरे जो इंटर कॉलेज हैं या डिग्री कॉलेज हैं वहां जाइए, वहां कुछ सामाजिक शब्दों का चयन हो। मीन्स एक जगह नैतिक शिक्षा उच्च स्तर पे पहुंची, एक जगह टेक्नोलॉजी उच्च स्तर पे पहुंची, जो जहां जिस स्तर पे पहुंची वैसे उसने उतना विकास किया। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए, निशक्तता युक्त बालकों का समूह विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों का एक बड़ा समूह है, क्योंकि उनकी शैक्षिक आवश्यकताएं सामान्य विद्यार्थियों से भिन्न है। उन्हें सीखने सिखाने के कुछ ज्यादा अवसर चाहिए, उन्हें चलन क्रिया से संबंधित कुछ ज्यादा अवसर चाहिए, उनको कोई बात जब कही जाए तो एक से अधिक बार और बार बार कहना यमन, ऐसी स्थितियों में उनकी कुछ आवश्यकताएं अधिक होती हैं। इसलिए जब यह बात आती है कि विशेष आवश्यकता वाले बालक, तो हमारे आपके मस्तिष्क में एक इमेज आ जाती है कि दिव्यांग बालक। भारत में निशक्त जन कानून 1995 के अनुसार कुल 7 निशक्तता आप जानते हैं चिन्हित की गई थी, जो अब बढ़कर कितनी हो गई 21 RPWD 2016, अब वह 21 हो चुकी है। ये सभी निशक्तता युक्त विद्यार्थी विशेष आवश्यकता वाले बालक कहे जाते हैं। जो 21 प्रकार के दिव्यांग बच्चे हैं वो विशेष आवश्यकता वाले हैं। अभी इसमें प्रतिभा संपन्नता की बात मैं नहीं कर रहा हूं, ठीक, गरीब बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं या कुछ और बच्चों की बात नहीं, सिर्फ आइडेंटिफाइड 21 डिसेबिलिटीज में जो बच्चे हैं उनकी बात कर रहा हूं। कुछ आंकड़ेबाजी से भी जरा इस बात को देखा जाए कि इनकी स्थिति क्या है, तो आप जानते हैं सेंसेक्स 2011 ही हमारे पास है, 2020 में हम लोग हैं, लेकिन कोई बात अगर प्रमाणिक कही जाएगी तो कही ही जाएगी 2011 के अनुसार। तो वहां देखते हैं 2011 में डिजिबल पीपल दिव्यांग बच्चों की, दिव्यांग व्यक्तियों की हमारे यहां जो संख्या थी उसको जब जरा सा देखें, 2,68,10,557 ये हमारे यहां संख्या 2011, 2,68,10,557 व्यक्ति आइडेंटिफाइड किए गए थे। अभी मैं आऊंगा कि उसमें कितना सत्य और कितना सत्य चले। उसमें 1,49,86,202 एक करोड़, आप चाहें तो लिख लीजिएगा या याद रखिएगा, 1,49,86,202 पुरुष थे और 1,18,24,355 महिलाएं थी, मिस बालक बालिकाएं महिला। अब हमें यह भी देखना होगा कि रूरल क्षेत्र में कितने थे,
और अर्बन क्षेत्र में कितने थे। तो अगर हम रूरल की तरफ बढ़े तो व्यक्तियों की जो संख्या थी वह थी 1,86,31,921 दिव्यांगजन रूरल एरिया में रहते थे और 81,78,636 अर्बन एरिया में रहते, पुरुष और महिला की तरफ चले। तो यहां पे दोनों की स्थितियों को जब आप देखते हैं तो लगभग आपको बड़ी गजब गजब की परिस्थितियां मिलती हैं। 1,40,08,168 एक लंबित मामला, ये मेल थे जो रूरल में रहते थे और इनसे थोड़ा आगे बढ़े तो 82,23,753 महिलाएं आइडेंटिफाइड की गई थी रूरल। ऐसे ही 81,78,636 पर्सन जो अर्बन में आइडेंटिफाइड किए गए थे उनमें से 78,034 मेल थे और 38,602 फीमेल थे। अब इनकी संख्या आप जानते हैं कितनी प्रमाणित थी, आपको मालूम है ना कितनी प्रमाणित रही होगी। उस दौरान जो आंकड़े हमारे पास आए थे, आज भी अगर हम उसकी चर्चा करें तो ये लगता है कि लगभग हम आधी भी जनसंख्या को नहीं देख पाए थे, लेकिन फिर भी 2.68 करोड़ स्थिति थी ना, 2.68% स्थिति थी दिव्यांगजनों की, विशेष आवश्यकता वाले बालकों की। जबकि अगर ठीक तरीके से डाटा मेंटेन किया गया होता तो ये 4 करोड़ के ऊपर होते, पूरी तरीके से निश्चित था 4 करोड़ के ऊपर होते। अब ये तो स्थिति थी 7 विकलांगता में। अब आप 2020 में बैठे हैं और दिव्यांगता की संख्या 21 हो चुकी है। आप सोचिए कि अब 2021 की जो जनगणना होगी उसमें 21 विकलांगता को लेकर लगभग 6 करोड़ प्लस दिव्यांगजनों की संख्या आने वाली है सेंसेक्स में और रिपोर्ट में। मीन्स 2011 की अपेक्षा 2 गुना से ज्यादा दिव्यांगजनों की संख्या विशेष आवश्यकता को प्राप्त करने की हुई। आखिर ये स्थिति बन क्यों रही है, इनकी शैक्षणिक कौन सी आवश्यकताएं हैं जो पूरी तो नहीं हो रही जिसके कारण ऐसी स्थिति बन जा रही है, ऐसी क्या स्थिति है। उन बाधाओं पर भी तो चर्चा करनी जरूरी है। हम आप शिक्षक हैं, पढ़ने के लिए बैठे हैं, पढ़ाने के लिए बैठे हैं, तो हमारा तो मेन ध्यान मेन फोकस शैक्षणिक दृष्टि पे ही जाएगा। ऐसी क्या शिक्षा में विसंगतियां हैं जो सामान्य बालकों को विशेष आवश्यकता वाले बालक बना रही है। अथवा तो किसी एक छोटी सी छोटी आवश्यकता या शारीरिक विकृति से संलिप्त व्यक्ति को इतनी बड़ी विशेष आवश्यकताओं से प्रतिभूषित कर रही है। समस्या को समाप्त न करके उसकी समस्या को बृहद बड़ा बना रही है। ऐसी क्या क्या बाधाएं हैं, इन बाधाओं पर भी हमें आपको चर्चा करनी चाहिए, समझना चाहिए। तो पहला, विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की शिक्षा में जब बाधाओं को हम देखते हैं तो पहली बाधा है नकारात्मक सामाजिक अभिवृत्ति। इसमें 4 स्टेप आते हैं बेटा, परिवार का, और परिवार में भी 2 स्टेप हो जाते हैं, माता पिता का और परिवारिकजन का, समाज का तथा राष्ट्र का। क्या अभिवृत्ति है, आपने देखा होगा, कठोर शब्द है लेकिन अब है तो कहा ही जाता है। हमारे समाज में अब वर्तमान परिस्थिति में प्रत्येक व्यक्ति की एक दशा दिशा है, वह इनपुट वही लगाता है
जहां से उसे आउटपुट की आवश्यकता होती है। हो सकता है बात कठोर हो, लेकिन है। कैसे है इसको प्रमाणित देख लीजिए। जब बालक जन्म लेता है, जन्म लेने के समय चाहे सामान्य स्थिति में जन्मा बालक अथवा विशिष्ट स्थिति में जन्मा बालक, दोनों तो एक दिन, दो दिन, चार दिन, दस दिन, बीस दिन के होते हैं, दोनों होते तो बालक है। जो जन्मा हुआ बालक है, सामान्य बालक जिसके हाथ पैर आंख कान मुंह जिह्वा सब ठीक ठाक है, उसके जन्म लेने पर ढोल नगाड़े बजते हैं, सहनाइयां बजती हैं, खुशियां बढ़ती हैं, लड्डू बढ़ता है या और क्या क्या होता है वहां उस तरीके की स्थिति जाने। लेकिन जब कोई दिव्यांग जन जन्म लेता है तो क्या अभिवृत्ति चलती है? सन्नाटा पसर जाता है। पहले उस अस्पताल में जहां उसने जन्म लिया, उस माँ को सन्नाटा, उस पिता को सन्नाटा, उस परिवार को सन्नाटा, गांव के लोग जो बधाइयां देने आने वाले थे वो संवेदना व्यक्त करने सांत्वना देने आने लगे, कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। बिगड़ा क्या है? बिगड़ी है मनोवृत्ति, बिगड़ी है मनोप्रवृत्तियां, बिगड़ी है सामाजिक प्रवृत्तियां, जो उस शिशु के जन्म लेने से पहले ही समाज में व्याप्त थी, अब उस पर आरोपित की जा रही जबरदस्ती। सामान्य बालक जन्म ले अथवा दिव्यांग बालक जन्म ले, कौन जानता है 18 साल के बाद कौन क्या करेगा? एक डीएम बनेगा, दूसरा चपरासी बनेगा, एक चपरासी बनेगा, दूसरा सफाई कर्मी बनेगा, ये कहीं प्रमाण पत्र आता है क्या किसी के साथ में? लेकिन नहीं, जानते हो वहां स्थिति क्या होती है। अब इसको जन्म भर खिलाना पिलाना पड़ेगा, इसकी सेवा जन्म भर करनी पड़ेगी, मीन्स इस पे इनपुट लगाना पड़ेगा, आउटपुट की कोई आवश्यकता नहीं है, मिलेगी ही नहीं, इसका तो सेवा करना पड़ेगा। अब इसी बात से परिवारी जन उसके अपने भारी मन के हो जाते हैं। यह अभिवृत्ति बालक के विकास में बहुत बड़ी बाधा है बेटा, उसके भरण पोषण को यह खराब कर देती है। जानते हो, आप पता करना अपने घरों में जाकर, या अपने रिश्तेदारों से पता करना, या अपने माँ बाप से आज ही जाके पूछना। मैं दिव्यांग बालक और बालिकाओं को एक तरफ छोड़ देता हूं, सिर्फ बालक और बालिकाओं की बात कर रहा हूं। माता की सेवा इस बात पर निर्भर करती है, मैं जन्म लेने के पश्चात की स्थिति की बात कर रहा हूं, इस बात कि पुत्र प्राप्त हुआ है कि पुत्री। अगर एजुकेटेड फैमिली है तो चाहे बेटवा पैदा हो चाहे बिटिया पैदा हो, मां की देखरेख उतनी ही मात्रा में की जाएगी जितनी होनी चाहिए। लेकिन अनएजुकेटेड फैमिली है तो मां की देखरेख बिटिया के होने पर कम और बेटवा के होने पर अधिक हो। इसका भी मूल कारण वही है, बेटवा आउटपुट देगा, बिटिया इनपुट लेके चली जाएगी। इसको तो पढ़ाओ लिखाओ खियाओ जियाओ और दूसरे घर चल जाएगी, हमें उसका लाभ नहीं। मतलब जन्म लेते ही लाभांश सोच लेता है व्यक्ति। अब ऐसे समाज में, ऐसी स्थिति में जब दिव्यांग जन्म ले लेता है तो मां के भरण पोषण को अवरोधित कर दिया जाता है, बाधित कर दिया जाता है, उसके खान पान में कमी की जाती है, जिसके कारण बालक को उचित खान पान के लिए जो पोषणित तत्व है माता दूध, वो नहीं मिल पाता। समय समय पर बालक को जितनी देख रेख की आवश्यकता है वो नहीं मिल पाता। माँ भारी मन की हो जाती है, बूढ़ मन की हो जाती है। और कई कई समाजों में, कई कई गांवों में, कई कई जगहों पर ये कानों ने सुना है, वो तो ये भी कहते हैं कि दिव्यांग जन बहुत दिन तक जिंदा नहीं रहे। लो जी, अब इन्हें क्या खिलाए, क्या सेवा करे, क्या ट्रीटमेंट करे, आज से ही इनके लिए और विधियां क्या करे। ये तो पंडित जी घर के चले आए, मौलवी साहब चले आए, या कोई और चला आया, उसने बता दिया कि साल 6 महीने, ज्यादा से ज्यादा 2-2.5 साल, उसके बाद तो सब लो हो गई बात, हो गई सेवा। अब यहां अगर वह बालक डीएम बनने वाला था, उसकी शारीरिक क्षमताएं बहुत कुछ करने वाली थी, तो पहले ही दिन से शारीरिक क्षमताएं अक्षमता में बदलनी शुरू हो जाए। और बाद में
उस बच्चे पे आरोपित कर दिया जाएगा, यह इसलिए विकास नहीं कर पाया क्योंकि यह दिव्यांग है, बनाया उसको माँ बाप ने, भाई ने, बहन ने, चाचा ने, परिवार ने। उससे आगे चले तो पढ़ाई में जो बाधक बनता है, सुगम्य भवनों एवं वातावरण की अनुपलब्धता। ट्राईसाइकिल से चलने वाली मेरी बिटिया या ट्राईसाइकिल से चलने वाला मेरा बालक अगर किसी स्कूल में बड़े बड़े ऊंचे जगह होने के कारण, गड्ढे होने के कारण, इनके फैलने के कारण, अव्यवस्थित स्वरूप होने के कारण वहां पढ़ने नहीं जा पा रही, या किसी घर में दोनों पैरों से विकलांग बिटिया ट्राईसाइकिल की अनुपलब्धता में, माँ बाप की उचित देखरेख न होने की अनुपलब्धता में विद्या ग्रहण नहीं कर पा रही है, तो इसका भी कारण वही मानी जाती है कि विकलांगता के कारण नहीं पढ़ पाई। आपने उचित वातावरण नहीं दिया, सुगम्य भवन उपलब्ध नहीं कराया और शैक्षिक दृष्टि से उसमें बाधा उत्पन्न हुई और आपने इसका जिम्मेदार भी उसी को ठहरा दिया। ये बाधाएं, पहली बाधा नकारात्मक सामाजिक अभिवृत्ति, दूसरी बाधा सुगम्य भवनों एवं वातावरण की अनुपलब्ध, तीसरी बाधा जो आजकल समाज में बहुत व्याप्त है, बड़े जोरों शोरों पे कही जा रही है, विद्यालय में विशेष शिक्षकों का अभाव। एक देसी कहावत है, दो विषैले जानवर होते हैं, एक होती है बिच्छू और एक होता है सांप। बिच्छू का मंत्र न जाने और सांप के बिल में जहां रहता है वहां पे हाथ डाले। तात्पर्य सामान्य बच्चों को तो पढ़ा नहीं पा रहे और विशेष बालकों को पढ़ाने का कक्षी का जिम्मा जब उन्हें दे दिया जाता है तो एक दिन दूसरे दिन वो क्लियर कर देते हैं। जरा सा मानसिक क्षमता में कमी है तो प्राथमिक स्कूल के हमारे सम्माननीय अध्यापक इस बात का टैग लगा देते हैं कि फलाने का लड़कवा तो पागल है। अरे वो के चार बार हमने बताया, दू दूनी चार, दू दूनी चार, दू दूनी चार, और बनाकर गुरु जी पागल होकर पढ़ाई को नफरत लीजिए। प्रमाण पत्र तो बन गया, घर वाले कह रहे थे कि कम सीखता है, या मैं देसी शब्दों में कहूं कि बौझक है। अब गुरुजी ने प्रमाण पत्र दे दिया कि बौझक नहीं, पागल है। आधे बच्चे तो उससे 10 फीट की डिस्टेंस में बैठने लगे, कहीं कांच ही न ले, दिमाग कम है ना, पागल है ना। ये मिलता है विशेष शिक्षकों के अभाव में, और फिर कहा जाएगा कि बच्चा पढ़ता नहीं। आगे माता पिता की नकारात्मक अभिव्यक्ति, बड़ी कठोरता से कह रहा हूं, बात रिकॉर्डिंग में है लेकिन कह रहा हूं, माता पिता की ऐसी अभिवृत्ति बन गई है कि अगर दिव्यांग बालक है तो उसको ऐसे स्कूल में प्रवेश कराया जाए जहां कुछ लगता ना हो। गुरु जी कोई ऐसा स्कूल बता दीजिए नागेश्वर जहां फीस न देनी पड़ती हो। और अपने दूसरे लड़के को एग्जाम्पल राहुल और रमेश, रमेश अगर दृष्टिबाधित है, राहुल अगर सामान्य है, तो राहुल को क्राइस्ट चर्च में पढ़ाएंगे, 4,000 महीने की फीस देंगे, और रमेश को देखेंगे कि मोहन रोड पर एडमिशन हो जात तो फ्री में काम बन जात, फ्री का बस्ता, फ्री का कपड़ा, फ्री का भोजन, अरे सब फ्री। मतलब यहां भी पढ़ने की अवस्था पे भी नकारात्मक अभिवृत्ति बाधा बने। आगे विद्यालयों में उपयुक्त संसाधनों का अभाव, संसाधन ही नहीं है, किसी दृष्टिबाधित को पढ़ने के लिए ब्रेल की बुक चाहिए, हाई नहीं है, अब कह दो बच्चा पढ़ नहीं पाता। किसी दृष्टिबाधित को पढ़ने के लिए ऑडियो रिकॉर्डिंग चाहिए, किसी विद्यालय में हाई नहीं, निश्चित नहीं है, अब कह दो बच्चा पढ़ नहीं पाता। मैं आपसे कहता हूं, अपने से कहता हूं, जिन जिन क्लासों में आप पढ़ते हैं आपको मैं लेक्चर न दूं, या आपको आपके गुरु जी लेक्चर न सुनाए हों, आपकी किताबें सब आपसे छीन ली जाए, आप पढ़ के बताइए तो जरा हम आपको जाने। किसी बच्चे को मोहन रोड पर, आपको, मुझको या किसी और को मोहन रोड पे ले जाके आंखें बांध करके खड़ा कर दिया जाए और यह न बताया जाए दाहिना क्या है, बायां क्या है, आगे क्या है, पीछे क्या है, आप जरा बताइए, हम देखे तो आप ब्रह्मा हैं, कुछ नहीं बता पाएंगे, शून्य हो जाएंगे। यही हो रहा है मेरे दिव्यांग बालक और बालिकाओं के साथ। उचित प्रबंधन, उचित संसाधन का न उपलब्ध होना और कारण बताना कि विकलांगता के कारण नहीं पढ़ पाया, दिव्यांगता के कारण इसका विकास नहीं हो पाया, दिव्यांगता के कारण नहीं, समाज की नकारात्मक अभिवृत्ति
और समाज में व्याप्त भ्रष्टाचारित विद्यालयों की संसाधनों की कमी उस बालक के शैक्षणिक विकास में बाधा बना। आगे चले, यातायात के साधनों का सुगम्य न हो पाना। आपने देखा होगा जितने संपन्न देश हैं उनमें लो फ्लोर सीट की बसें चलती हैं, एकदम जमीन को पकड़ लेती हैं। कभी कभी लखनऊ में कहा दो ठो एसी बसें चली थी। अगर कोई ऐसी बिटिया है, आपने देखा ही होगा, हम तो रोज देख रहे हैं, या कोई बिटवा है जो दोनों पैरों से दिव्यांग है, घिसट घिसट के चलता है, अब उसको बस में चढ़ना है, वह सड़क पे खड़ा होकर हाथ देगा तो उत्तर प्रदेश परिवहन का तो कोई ड्राइवर रोकने वाला है नहीं। पहली बात तो ये, क्योंकि कंडक्टर को मालूम है कि ये तो फिल्म बैठेगा, और जब माँ बाप इनपुट वही लगा रहे हैं जहां से आउटपुट मिली, तो कंडक्टर है, वो तो करेगा ही करेगा, रुकेगा नहीं। और रोक भी दे तो 2 फीट की ऊंचाई पर सीढ़ी चालू होती है, और वह बच्चा 50 किलो का या हमारी बिटिया 50-55 केजी की, अब वो चढ़े कैसे? मान लो किसी तरीके से दोनों हाथों से बल लगाएगी, थोड़ा अपने को एक सीढ़ी पर, फिर दूसरी सीढ़ी पर, फिर तीसरी सीढ़ी पर, या दो जन उसको पकड़ के ऊपर करेंगे, तो सब लोग कहेंगे कि इतना टाइम लग रहा है, हमें ऑफिस पहुंचना है, ये जाना है, वो जाना है, ऐसे जाना है, वैसे जाना है। जितना समय उसको चढ़ने में लगेगा उतने समय उसको उतरने में लगेगा। इसमें उसकी दिव्यांगता की कमी नहीं है, आपके द्वारा उपलब्ध वाहन की अनुपलब्धित होना, उसके योग्य न होना। बुजुर्गों को भी आपने देखा होगा, बस में चढ़ते हैं तो दो लोगों को पकड़ के इस तरीके से कांपते हुए वो चढ़ते हैं। क्या लो फ्लोर की बसें नहीं चलाई जा सकती? क्या ऐसी बसें नहीं चलाई जा सकती जिनमें पीछे के साइड से व्हीलचेयर वाला या ट्राईसाइकिल वाला या बैसाखी वाला व्यक्ति पीछे से चढ़ के अपनी सीट ले ले, 4-5 सीटें पीछे दिव्यांगजनों के लिए एक स्पेस वहां पे ऐसा हो कि जिसमें ट्राईसाइकिल वाला खड़ा हो जाए। ऐसी उपलब्धता कराने की तरफ न हमारे समाज की सोच है, न हमारे सरकार की सोच है। ये कहने की सोच है कि ये तो विकलांग है, कुछ कर नहीं सकते, अवसर न दो और उन्हीं के ऊपर ठप्पा लगा दो कि किसी काम के नहीं। ये अवरोध शिक्षा में बाधा। आगे जब चलते हैं, विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की शिक्षा को उन्नत बनाने हेतु भी सुझाव भी देने होंगे। अगर मैंने कमियां बताई तो क्या सुझाव होगा, वह अभी तो कहना होगा। जरा देखिए, पहला, विद्यालय के भवनों को सार्वभौमिक यूनिवर्सल डिजाइन में बनाया जाए। सभी प्रकार के व्यक्ति, बूढ़ा, युवा, बालक, छोटे कद का, बड़े कद का, सभी लोग आसानी के साथ आ जा सकें। सीढ़ियां बनाएं तो साथ में रैंप बनाए। 2-3-4 बिल्डिंग बनाएं तो लिफ्ट भी लगाए, जिससे आसानी के साथ एक दिव्यांगजन एक स्थान से दूसरे स्थान जाए। अगर आप रैंप बनाए हैं, सीढ़ियां बनाए हैं, तो उसके बगल में थोड़ा ठीक ठाक से ऐसा कुछ बाउंड्रीज बनाए जिसको पकड़ करके कोई फिजिकली हैंडीकैप भी या हमारा कोई दृष्टि दिव्यांग साथी भी एक सिंगल लेकर के आगे बढ़े। तो भवनों को कैसे बनाए? सार्वभौमिक। दूसरा, सामाजिक जागरूकता को बढ़ाना। समाज में आप जैसे शिक्षक जा जाके घर घर द्वार द्वार, हमारी आपकी जिम्मेदारी है, सिर्फ नौकरी पाना जिम्मेदारी नहीं है, जिस काम के लिए आए हैं वो जिम्मेदारी है, घर घर जा करके लोगों को बताओ कि दृष्टि दिव्यांग आईएएस भी बन रहे हैं, दृष्टि दिव्यांग सरकारी कार्यालयों में विभिन्न पदों पर प्रोफेसर बन रहे हैं, लेक्चरर बन रहे हैं। कोई ऐसा पद नहीं है जहां दिव्यांगजन नहीं पहुंच रहे। और 10-20 इमेज अपने मोबाइल में लेके जाइए, प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, उनको दिखाइए कि फलाने ये है, ढिकाने ये है, ये है, ये है, जिससे उनकी मनोप्रवृत्ति बने कि हाँ जी, दिव्यांगता किसी के विकास का कारण नहीं है, न पढ़ाना, न लिखाना, न विकास करना उसका कारण, मनोवृत्ति का सुधार हुआ। ये विशेष शिक्षक होने के कारण आपका और मेरा दोनों का दायित्व। आगे, माता पिता को दिव्यांग बालकों की शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करें, उन्हें बताएं कि दिव्यांग बालकों को उन्नत से उन्नत शिक्षा, उन्नत से उन्नत गैजेट दीजिए, वो ज्यादा अच्छे से आपकी बात को समझ पाएंगे और अधिक लाभान्वित तो होंगे। जैसे कस्टमर केयर वाले कहते हैं, मैंने आपको कई उदाहरणों में बताया है, फिर भी बता रहा, कस्टमर केयर वालों का कहना है कि किसी भी कंपनी के कस्टमर केयर में सामान्य बालक और बालिकाएं, बेटे और बेटियां जो बैठते हैं, उनके अनुपात में ज्यादा अच्छा काम करते हैं
दृष्टि दिव्यांग बेटे और बेटियां, जानते हैं क्यों? थोड़ा युवानी से संबंधित मामला है, ठीक ठाक बच्चे हो समझना इसको। जब दृष्टि होती है, जगह जगह का चित्रांकन होता है, मन भ्रमित तो होता है, कोई काल आ रही है, किसी से बात हो रही है। अब बात दोनों तरीके से हो सकती है, शाब्दिक बॉस पीछे खड़ा है तो शाब्दिक नहीं हो रही है, तो आप जानते हैं इशारों की भाषा साइन लैंग्वेज हो रही है। अब काल को अटेंड नहीं किया जा रहा है तो दृष्टि के अभाव में तब तक कोई आ गया उधर देखने लगे, काल वेटिंग में चल रही है, या किसी से किसी की समस्या का सुझाव देने के लिए फोन उठाया तब तक कोई उनका मित्र गेट पे आ गया तो मित्र पे कंसंट्रेशन हुआ, समस्या नहीं समझ में आई तो निदान क्या देंगे। लेकिन यहां एक दृष्टि दिव्यांग जैसे काल आया उसने रिसीव किया, पूरा कंसंट्रेशन काल पे है। इस कारण से वे कहते हैं कि कस्टमर केयर में दृष्टि दिव्यांग ज्यादा एकाग्रता से काम करते हैं, ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। ये बातें माँ बाप को बतानी है। आगे देखें, सभी विद्यालयों के भवनों की सुगमता सुनिश्चित करना, सभी जगह आना जाना सुगम हो। आगे, विद्यालयों में समावेशी शिक्षा हेतु प्रशिक्षित अध्यापकों विशेष शिक्षकों की नियुक्ति करना जो उन्हें आसानी के साथ शिक्षित कर सके। और अगर थोड़ा और सुझाव की तरफ बढ़े, विशेष विद्यालयों का संसाधन के रूप में प्रयोग करना, कुछ विशेष सिखाने के लिए विशेष विद्यालयों में बच्चों को भेजना, वहां सीखना। आप भी कोर्स कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ अपने घर में ही बैठ के कोर्स को पूरा करेंगे, आप भी विशेष विद्यालयों में जाएं, घंटे दो घंटे वहां बैठें, देखें बच्चे एक दूसरे से कैसे व्यवहारित होते हैं, बच्चे किन तरीके के शब्दों को सुनना चाहते हैं, अध्यापक उनको डील कैसे करते हैं। आप में एक विशेष स्किल्स डेवलप होगी बेटा, क्योंकि कहने से ज्यादा कथनी से ज्यादा करनी का भाव पड़ता है, आपको वहां समझ में आएगा। सामान्य अध्यापकों को विशेष आवश्यकता वाले बालकों के संवेदनशील बनाना, हर चीज को रिजेक्ट करके काम नहीं चलेगा गुरुजी, संवेदनित कीजिए, थोड़ा मेहनत कीजिए, समझाइए तो चलेंगे, धीरे धीरे चलेंगे तो समाज का विकास होगा, वह भी समाज का एक भाग है। आपने बताया कि 2001 की 11 की जनगणना के अनुसार लगभग 3% भारत में उनकी आबादी थी, अब 2021 की जनगणना में जहां तक आशा है 6% दिव्यांगों की आवश्यकता होगी। तो क्या कोई देश का नागरिक चाहेगा कि कोई भी देश अपने 6% ह्यूमन रिसोर्स को ऐसे ही बेकार जाने दे, किसी काम का ना होने दे, जबकि एक एक व्यक्ति की आर्थिक स्थिति आर्थिक आय भारत की जीडीपी में अपना महत्व रखती है। एक एक व्यक्ति इतना महत्वपूर्ण है तो भला कैसे 6% को छोड़ देंगे, 6 करोड़ को छोड़ देंगे, एक एक व्यक्ति के लिए करके उसका विकास करना। और मूल्यांकन की प्रक्रिया में लचीलापन, दृष्टि दिव्यांग है नहीं लिख पा रहा, ब्रेल नहीं सिखा पा रहे तो मौखिक परीक्षाएं ले लीजिए, श्रवण दिव्यांग है अगर नहीं बोल पा रहा तो ब्लैक बोर्ड पर लिख करके परीक्षा ले लीजिए, और उसे 10 प्रश्न उससे 8 पूछ लीजिए, कुछ और विधियां उसके साथ संचालित कर लीजिए जिससे मूल्यांकन की प्रक्रिया को थोड़ा सहज बनाया जा सके। आगे देखें इसमें सुझाव में, मैंने कुछ सुझाव ज्यादा रखे हैं, मैं समस्याएं ज्यादा बताने वालों में से नहीं हूं, उसको निदान कैसे किया जाए उसमें। तो अगला सुझाव क्या, शिक्षण में विशेष आवश्यकता की पूर्ति हेतु सूचना एवं संप्रेषण तकनीक का प्रभावी प्रयोग, अर्थात प्रत्येक दिवस टीवी पर भारत सरकार द्वारा कोई ना कोई एक 10 मिनट का कार्यक्रम दृष्टि दिव्यांगों की उन्नत से संबंधित चल रहा है, श्रवण दिव्यांगों की उन्नत से संबंधित चल रहा है, एक कार्यक्रम चल रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि बच्चों का भरण पोषण कैसे होता है, एक कार्यक्रम चल रहा है जिसमें हो रहा है कि गर्भवती माताओं को क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए जिसके कारण दिव्यांगता न आए, एक कार्यक्रम चल रहा है कि अगर दिव्यांगता आ गई है तो उसके निदान के लिए उसको कम करने के लिए क्या क्या होना चाहिए, इस तरीके की क्लासेस चले क्या कार्यक्रम चले, नुक्कड़ नाटक चले, आपके द्वारा वीडियो बनाया जाए जन जन तक उसको पहुंचाया जाए यूट्यूब के माध्यम से, लोग जागरूक हों सीखेंगे और मनोवृत्ति में सुधार आएगा। कुछ आगे जब बढ़े, विशिष्ट बालकों के लिए सहायक उपकरणों और सहायक सामग्रियों की उपलब्धता कराना, आए दिन आपको सुनने को मिलेगा, मैं एक उदाहरण देता हूं बिना नाम का, कई दिव्यांग बच्चे हैं स्मार्टफोन भारत सरकार की एडीपी योजना के अंतर्गत पा जाते हैं, अब वह हमारे ज्ञानी अज्ञानी बच्चे
10,000 के मोबाइल को, 8,000 के मोबाइल को 1500 में बेच दिए, 1400 में बेच दिए, अथवा 2,000 में बेच दिए, 2,500 में बेच दिए। अरे बेचने वाले को ज्ञान नहीं है तो खरीदने वाले को तो ज्ञान होना चाहिए, उसको तो ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज किससे ली जानी है, कौन सी चीज किससे नहीं ली जानी है, इसका तो बोध होना चाहिए। हम जागरूक हो, बेचने वाले बच्चे को ये बताएं कि कौन सी वस्तु आपके उपयोग की है और कौन सी वस्तु हमारे उपयोग की है, दोनों में थोड़ा क्लासिफिकेशन होना चाहिए, अंतर होना चाहिए ना भैया। दिव्यांग बालकों के लिए व्यक्तिगत सहायता का प्रावधान, जैसे ही मैं सहायता की बात करता हूं हर एक व्यक्ति के मन में, हाँ जी बची बची बची, बस दो मिनट में मैं क्लास पूरी करता हूं, हर एक व्यक्ति के मन में भाव आ जाता है कि गुरुजी हम तो कमाते ही नहीं, हमारी तो इतनी आमदनी नहीं, मात्र हम 85,000 तो पाते हैं, बताइए हमारी अपनी आवश्यकताएं हैं, हमें धीरू भाई अंबानी बनना है, हम कैसे किसी की सहायता कर सकते हैं, या आप विद्या अध्ययन कर रहे हैं, हम प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो हमारा अपना रोना हो सकता है, हमारी इतनी वेतन नहीं है, हमारी आवश्यकताएं बहुत हैं, हमारा ये है वो है ऐसा है वैसा है। सेवा का मतलब यही नहीं है कि आप किसी को धनात्मक लाभ पहुंचाएं। अगर किसी एक विद्यार्थी के लिए कोई एक लेसन उसके घर पर उसके मोबाइल में आप बोलकर रिकॉर्ड भी कर दें तो दृष्टि दिव्यांगों की सेवा है। हजरतगंज चौराहे पर चौराहे के एक भाग से दूसरे भाग को जाने वाले दृष्टि दिव्यांग विद्यार्थी का या किसी व्यक्ति का हाथ पकड़कर चौराहा पार करा दे, यह सेवा है। किसी बालक को चार बाज से मैं चला अपने ऑफिस के लिए और कोई बालक इंदिरा भवन आना चाहता है, मैं वहां से 80 में उड़ाते हुए गाड़ी आ रहा हूं, मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि गाड़ी को थोड़ा कम करें, वृद्ध जन है, विकलांग जन है, असामान्य जन है, तो उन्हें बैठा कर इंदिरा भवन छोड़ करके मैं यहां आ चलाऊं, मेरा तो बहुत नुकसान नहीं हो जाएगा, सेम रोड पे है। दिव्यांग जन किसी गाड़ी वाहन को पकड़ कर एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए बार बार हाथ दे रहा है, आप बस में बैठे हैं तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि कंडक्टर को ड्राइवर को मोटिवेट करें, भैया रुको रुक जाइए, उसको भी लिवा चलेंगे कहाँ चलना है, और जरा बैठने में उसको पकड़ करके बैठा दीजिए। किसी दिव्यांग जन को इसलिए पढ़ाई नहीं मिल रही, वह गोसाईगंज में रहता है, उसको पता ही नहीं है एक मोहन रोड पर दिव्यांग जनों के लिए कोई स्कूल है, आप बता दीजिए, यही सेवा है। किसी दिव्यांग जन के लिए आप कोई ऐसा मार्ग, कोई ऐसा बिजनेस बता दीजिए, कुर्सी बुनना बता दीजिए या कुछ और जो स्किल्स आप में है, आप वह स्किल्स उन तक डिलीवर कर दीजिए, उन तक पहुंचा दीजिए, यह सेवा है। अगर इतना भी नहीं कर सकते तो आप विद्यार्थी होने के कारण, मैं शिक्षक होने के कारण, अगर डेली भारत में घटने वाले घटनाक्रमों को जो समसामयिकी है, डेली एक ही दिव्यांगजन की बात मैं कर रहा हूं, एक ही दिव्यांगजन को हम बताते चलें तो भी उसका जीके और जीएस बड़ा मजबूत हो जाएगा, वह कंपिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। क्या आपका चिंतन इस ओर नहीं जाता कि 2011 की जनगणना में 3% से भी कम दिव्यांगजन थे, 97% सामान्य जन, जो बड़ा अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं और कहते हैं कि हम बड़े प्रबुद्ध हैं, हम तो विकलांग नहीं है, हम तो सब कुछ कर सकते हैं, थू है ऐसे करने पर, 10 साल हो गया, उस 3% को क्या हमने 97% किया। हमारे बगल में कोई एक बूढ़ी माँ होती है, उसकी आवश्यकता होती है, कितनी हमने पूर्ति की, क्या उसकी आवश्यकता करोड़ों की होती है क्या। इसको कहते हैं नैतिक जिम्मेदारियों की स्वीकार्यता। इसके लिए विशेष शिक्षकों को घर घर, गांव गांव, शहर शहर या अपने परिक्षेत्र में जाकर जन जागृति फैलानी, सहायता का प्रावधान करें, 10 लोग मिलकर किसी विद्यार्थी का एडमिशन करा दें, 10 लोग मिलकर, 20 लोग मिलकर 500 रुपए, 25-25 रुपए जुटा करके किसी विद्यार्थी के लिए कोई उपकरण जुटा दें, या 100 लोग मिलकर के किसी विद्यार्थी के लिए 100-100 रुपए जुटाकर 10,000 का एक मोबाइल खरीद के दे दें, बहुत बड़ी बात नहीं हो जाएगी। हो सकता है महीनों आपको लग जाए 100 लोगों से बात करने में, 100 लोगों से मांगने में, लेकिन मेरी गारंटी है जिस दिन उसको उपलब्धता हो जाएगी, जिस दिन वह उस चीज से पढ़ने लिखने लगेगा, आपको ऐसी सुखद नींद आएगी, आपको ऐसा सुखद अनुभव होगा, आपको लगेगा कि आपने कुछ दिल से बहुत बड़ा काम किया। ऐसी चीजों को करके ही
विशेष आवश्यकता वाले बालकों की आवश्यकताओं की हम पूर्ति कर सकते हैं, उनकी श्रेष्ठता को हम पूरा कर सकते हैं। तो आज के विषय पे विशेष आवश्यकता के संदर्भ में आपसे मुझे यही कहना था। एक घंटे की क्लास थी और यह सवा घंटे हुआ, तो हमें लगता है कि आपको समझ में आया होगा, जहां तक आशा है। अगर आपके कोई और प्रश्न हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कई बच्चों ने चैट में लिखा हुआ है, उनको बात समझ में आई, ठीक तरीके से बताई गई। कई बच्चों ने लिखा है समझाने का अंदाज अलग अलग है। मैं प्रशंसा के लिए आपको नहीं पढ़ा रहा बिटिया, आपके ज्ञानार्जन के लिए पढ़ा रहा, तथा आपके द्वारा किसी एक का भला हो जाएगा, किसी एक की मदद हो जाएगी, तो हमारे पढ़ाने का जो जरिया है, हमारे पढ़ाने का जो उद्देश्य है, वो पूरा हो जाएगा। तो चलिए, मुझे ये विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आज हम लोग क्लास यहीं ओवर करते हैं। सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी बच्चों को आज की इस क्लास में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को सादर नमस्कार, आप लेफ्ट कर सकते हैं।